हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा कृष्ण में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा डोरमेट के डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे मैं आज आपको 40 फंदे से बनाना बताऊंगी। 40 फंदे में बहुत ही बड़े साइज का ये बनकर तैयार हो जाएगा, चाहे आप इसे ऊन से बनाएं या फिर साड़ी से। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिज़ाइन में फंदे बाद में बढ़े हुए हैं, तो ये और भी बड़े साइज का बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस डिज़ाइन को सीखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए डिज़ाइन देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं ये कैसे बना है। तो इस डिज़ाइन को मैं आज आपको ये दो कलर से बनाना बताऊंगी। तो जहाँ पे ये ग्रीन कलर है वहाँ मैं पिंक का इस्तेमाल करूँगी, और जहाँ पे रेड कलर है वहाँ पे मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, तो सबसे पहले ये पिंक कलर के धागे से 40 फंदा ले लेते हैं। आपको जिस भी तरीके से फंदे लेने आते हो आप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। इस तरह से देखिए, और अगर डिज़ाइन आपको पसंद है और आप हमसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसे बनाने को कहा गया है, तो इसे मैं आज में 40 फंदे में बता रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 40 फंदा ले लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो पहला फंदा है यहाँ पे एक फंदा हम लोग अब इसमें बढ़ाएंगे। तो सिंपल से कांटे पे लपेटते हुए यहाँ पे एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेते हैं, इस तरह से। अब बाकी को उल्टा उल्टा बिनना है इस तरह से। इसे एकदम बिनते हुए अंत में चले जाना है यहाँ तक, तो वहाँ तक बिन लेते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए अंत में आ गए हैं। इस वाले डिज़ाइन में हम लोग को चार चार फंदे करके छोड़ देने हैं बिना बुने। ये देखिए इस तरह से, यहीं से धागा को पलट देंगे, इस साइड से वापस बिनते हुए यहाँ तक के सारे फंदे बिन लेने हैं इस तरह से। ये वाला डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, आप इससे डोरमेट, थाला पोज, टेबल मेट, कुछ भी अपने सख्तानुसार आप इसे बना सकते हैं। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, और अगर आप इसे डोरमेट की तरह बनाएंगे तो ज़रूर आपकी पड़ोसन पूछेगी कि ये कहाँ से बनाया है, तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा मेरा भी पब्लिसिटी कर दीजिएगा आप लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, और जिस भी तरीके से मैं बताती हूँ और आप लोग को अगर समझ में आता है तो कमेंट कर ही दीजिएगा कि हाँ, आपका बताया हुआ मुझे समझ में आ जाता है, या फिर कुछ भी कमी रहती है मेरे वीडियो में तो उसे भी आप कमेंट करिएगा कि आप इस तरह से बता रहे हो तो हमको समझ में नहीं आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए इसके ऊपरी साइड में। अब यहाँ पे फिर से सेम तरीके से फंदा बढ़ाएंगे, इसी तरह से हर लाइन में एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ाते ही जाना है इस तरह से, और इधर से बिनते हुए जाना है, फिर से यहाँ पे चार फंदा छोड़ना है, तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए, हर लाइन में इसी तरह से सामने की तरफ एक एक फंदा बढ़ाते जाना है और इधर से चार चार फंदा छोड़ते जाना है। इसी तरह से हम लोगों को इसमें 10 फंदा बढ़ाना है, यहाँ पे 10 फंदा बढ़ाना है। देखिए, दो बढ़ाए हैं और 8 बढ़ा लेते हैं, उसके आगे आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए यहाँ पे 10 फंदा बढ़ा लिए हैं। ये देखिए 10 फंदा यहाँ पे इकट्ठे में हो गए हैं, और इधर से यहाँ तक ये 40 फंदा तक छोड़ दिया। अभी हमारा धागा यहाँ पे है, इसे कर देते हैं बैक साइड। अब यहाँ से देखिए, हम लोग इसमें दूसरा कलर लगा लेंगे। यहाँ से देखिए, ये ब्लू कलर हम इसमें लगा लेते हैं। यहाँ से 10 फंदों में ब्लू कलर लगा लेना है। ये
ये देखिए इस तरह से आगे बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में। अब यहाँ से देखिए कोई फंदा यहाँ बढ़ाना नहीं है, सिंपल सिंपल बिनना है। तो इस तरह से पहला फंदा उठा लेंगे, बाकियों को बिनेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग को 9 फंदे बिनने हैं। ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10वां फंदा यहीं पे छोड़ देना। अब यहाँ से हम लोग को एक एक फंदा छोड़ देना है। फिर से बैक साइड से बिनते हुए इसे ऊपर तक एकदम बिन लेते हैं। देखिए आगे बिनते हुए इस बार 8 ही फंदा बिनना है। हर बार एक एक फंदा यहाँ से छोड़ते जाना है। यहीं से धागा को पलट देंगे, इस साइड से वापस बिन लेंगे यहाँ तक। ऐसे ही यहाँ पे एक एक फंदा छोड़ते जाना है अंत में, जब तक इसमें 2 फंदा ना रह जाए। तो इतना कर लेते हैं, उसके आगे बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक के सारे फंदे छोड़ दिए। अब यहाँ पे इस लाइन में जहाँ पे जो जैसा कलर है उसे बिनते हुए यहाँ तक के सारे फंदे बिन लेने हैं। इस तरह से पहला फंदा उठा लेंगे, बाकी को सबको साथ में बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से जहाँ पे जो जैसा कलर है उसे बिन लेंगे। इस धागे को पीछे कर देंगे, पिंक वाला धागा सामने ले आएंगे। इसके बाद पिंक वाले फंदे साथ में लेकर के बिन देने हैं। इसे एकदम अंत तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए अंत में आगे इस तरह से सारे ही फंदे हम लोग बिन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से भी जहाँ पे जो जैसा कलर है उसे बिनते हुए एकदम यहाँ तक के सारे फंदे बिन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो 10 फंदे ब्लू वाले हैं उसी में से अब हम लोग को फंदा बिनना है। तो देखिए जैसे हम लोग लास्ट में 2 फंदा रखे थे, तो उसी तरह से 2 फंदा पहले बिन लेंगे इस तरह से, और यहीं से धागा को पलट देंगे इस तरह से, इस तरह से। इस बार 3 फंदा बिनेंगे। जैसे हम लोग एक एक फंदा पहले छोड़ रहे थे, अब हम लोग एक एक फंदा साथ में लेकर के बिनते जाएंगे। यहीं से धागा को पलट देंगे इसे, इस तरह से उल्टे साइड में इन तीनों को ही बिन लेंगे। ये देखिए अब हम लोग 4 फंदा बिनेंगे। दो, तीन, ये 4, यहीं से धागा पलट देंगे। ऐसे ही एक एक फंदा लेते हुए ये 10 फंदों को बिन लेना है। तो इसे कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए 9 फंदे बिन लिए। अब ये एक लास्ट वाला येला बिनेंगे तो ये 10 फंदा यहाँ पे बिना जाएगा। तो इसे कर लेते हैं इस तरह से। ये 9 और ये 10। अब यहीं से धागा को पलट देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 10 फंदे वो हमारे बढ़े हुए हैं, और इधर में जो 40 फंदे हैं वो हमारा ओरिजिनल फंदा है। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे कि डिज़ाइन में है, देखिए दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही जोड़ना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक एक फंदा बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो हमारा फंदा ऑलरेडी बढ़ा ही हुआ है। ये जो 10 फंदे हैं वो बढ़े हुए ही फंदे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए धागा पलटे हैं, यहीं से पलट जाएंगे। अब इसे बिनते हुए वापस यहाँ नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो ब्लू वाला फंदा है उसे यहाँ पे एक फंदा को ये हम लोग पिंक में बदल देंगे, और यहीं से धागा को पलट देंगे वापस। अब यहाँ से सबको बिनते हुए एकदम अंत में जाएंगे, और अंत में फिर से 4 फंदा छोड़ेंगे। तो यहाँ तक बिन लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए अंत में आ गए। यहाँ से ये चार फंदा फिर से छोड़ देते हैं, यहीं से धागा पलट देते हैं। अब यहाँ पे से देखिए, यहाँ से इजी हो जाएगा। अब यहाँ से बिनते हुए वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से एक ब्लू फंदा कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए ये पिंक वाले फंदे बिन लिए हैं। अब ये देखिए, हमारा दूसरा फंदा भी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। पहले हम लोग बढ़ा रहे थे, अब हम लोग बढ़ा नहीं रहे। जो बढ़े हुए फंदे उन्हीं में से एक एक फंदा कन्वर्ट कर ले रहे हैं, जिससे ये देखिए जुड़ता भी जा रहा है और ये बनता भी जा रहा है इस तरह से। अब फिर से बाकियों को यहाँ पर पिंक वाले फंदे बिनते हुए यहाँ पर जाएंगे, फिर से चार फंदा छोड़ेंगे। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए। यहाँ फिर से ये चार फंदा छोड़ देते हैं, इसे धागा को पलट देते हैं। इस साइड से वापस बिनते हुए जाएंगे, फिर से यहाँ पे एक फंदा कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए फिर से आगे इसके ऊपरी साइड में इस तरह से ये हमारा तीसरा फंदा यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। यहीं से धागा को पलट देंगे, वापस यहाँ से जाके चार फंदा इधर में सीधी साइड में से छोड़ेंगे। ऐसे ही करके यहाँ पे बाकी बचे जो सात फंदे हैं, इन्हें भी कन्वर्ट कर देना है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ हम लोग यहाँ कन्वर्ट करके इधर ही यहीं से मुड़ जा रहे हैं, इधर के फंदे हम लोग हाथ नहीं दे रहे, इधर में हम लोग नहीं बिन रहे हैं। तो ऐसे ही बार बार करके इसे बिनते हुए बाकी फंदे को बिन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे कन्वर्ट कर लिए, यहाँ पे सिर्फ एक फंदा रह गया। अब यहाँ से देखिए, इधर से ये लास्ट वाला जो फंदा रह गया है उसे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। इसे यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गए। ये लास्ट वाला फंदा भी हम लोग यहाँ बदल दिए, यहीं से धागा को पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए। अभी यहाँ से देखिए, ये बीच वाला लाइन जो बनाए थे उसके बाद यहाँ पे अभी नौ लाइन ही बनाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक लाइन बनाएंगे तो ये 10 लाइन बन जाएगा। तो इस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, फिर जो 10 फंदा हम लोग जो बढ़ा हुआ है उसे इस लाइन में हम लोग यहाँ पे बंद कर लेंगे। इस तरह से दो फंदा का एक कर देंगे और यहीं से फिर से ये वाला धागा, ये वाला फंदा इस कांटे पे करके इसे बंद कर लेंगे। जैसे एक हुआ, ये दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 फंदे बंद कर लिए। ये 10वां यहाँ पे, इधर में ये 40 फंदा हम लोग का रह गया। अभी इस लाइन में सबको एक साथ बिनते हुए, इसी लाइन में सबको एक साथ बिनते हुए एकदम अंत तक बिन लेंगे इसे। इसे एकदम यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए अंत में आ गए हैं। सारा ही फंदा बिन लेंगे इस वाले लाइन में। ये देखिए, फिर से हमारे कांटे पे 40 फंदा हो गया। ये देखिए, 10 लाइन बढ़ाते हुए बनाए, 10 लाइन इधर में भी बना है। और ये देखिए, फिर जो 10 फंदा इधर बढ़ाए थे वो यहाँ पे घटा दिए और फिर से हम लोग का यहाँ पे 40 फंदा हो गया। तो देखिए, इस तरह से इसकी एक कली कंप्लीट हो गई। अब फिर से वापस इसे बिनते हुए यहाँ तक चले जाएंगे दूसरी कली शुरुआत करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आगे इसके ऊपरी साइड में फिर से अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, जैसे पहले लाइन में बिल्कुल बढ़ाए थे वैसे ही। यहाँ से फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर से सब बाकियों को बिनते हुए जाएंगे और इधर में ये
चार फंदा छोड़ेंगे। फिर से ऐसे ही जैसे 10 फंदे इसमें बढ़ाए थे, इसमें भी सेकंड वाली कली में भी 10 फंदे बढ़ाएंगे और इसके बैक साइड में फिर से कलर लगाएंगे। देखिए बैक साइड में ये पिंक वाला तो कंटिन्यू आपका बिनाते जाएगा, लेकिन ये ब्लू वाला धागा देखिए जैसे इसमें भी इस तरह से खींच खींच करके लिए हैं, वैसे ही इसमें भी आपको फिर सेकंड वाली कली में यहाँ से खींच के लेना होगा और फिर बाद में कट करके बांध देना होगा, जैसे देखिए इसमें किए हुए हैं। यहाँ से खींच के लिए थे, फिर यहाँ कट करके इस तरह से इसे बांध दिए हैं। इसी तरह से इसे करना होगा। यहाँ से यहाँ तक के जितने भी स्टेप बताएं इस बार बार इसको रिपीट करेंगे तो ये गोलाई में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग इसमें भी 10 से 12 कलियाँ बनेंगी, तो इसी तरह से इसे कर लेना है।